हैंसुम घिर गई होती है, तभी वहाँ पार्क्सो आता है जो कि दूर से ही मदद पीछा कर रहा होता है। हैंसुम मदद मांगती है कि मदद करो, तो पार्क्सो को बोलता है अगर तुम केस नहीं छोड़ोगी तो ही मदद करूँगा। हैंसुम बोलते हैं नहीं छोड़ूंगे, तो तीनों लड़के बोलते हैं तुम मदद करोगे। पार्क्सो को पिटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस तीनों में से एक को पता चलता है ये वही लड़का है जिसने टैकोंडो में स्टेट लेवल को जिसने जीता है उसे हराया है पार्क्सो ने। तो तीनों चुपचाप वहाँ से भसकने का सोचते हैं और कहते हैं कि बहुत रात हो गई है, हम घर जाने का टाइम हो गया है, फिर कभी देखेंगे। तो तीनों चले जाते हैं। फिर पार्क्सो और हैंसुम दोनों एक साथ ही जाते हैं हैंसुम के घर। पार्क्सो वापस आ रहा होता है, तभी हैंसुम को एक मैसेज आता है आई विल बी देयर। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सीनियर वकील वकील चैन को सजेशन दे रहे होते हैं केस लड़ने में। हैंसुम भी मदद लेने के लिए सीनियर वकील के पास जाती है, मगर सीनियर वकील मदद करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वकील चैंग बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है वकील चैंग और हैंसुम दोनों एक साथ स्कूल गए होते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में एक्सीडेंट वाली लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हैंसुम बाकी लड़कियों से पूछताछ कर रही होती है और वकील चैंग एक्सीडेंट एरिया में छानबीन कर रहा होता है और वहाँ उसे सिगरेट और लाइटर मिलता है। पार्क्सो हैंसुम को देख लेता है और दोनों जाकर कंप्यूटर रूम में एक्सीडेंट वाली लड़की के बारे में डिटेल सर्च करता है हिस्ट्री, एक्सीडेंट वाली लड़की ने क्या क्या सर्च किया है वो देखने के लिए। तो उसे पता चलता है कि इसने सर्च किया है सिगरेट कैसे छोड़े, सिगरेट कैसे लीगल तरीक़ा से लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है हैंसुम एक्सीडेंट वाली लड़की के पास जाती है और बोलती है कि तुमने सच क्यों नहीं बोला। तो लड़की बोलती है मैंने सच ही बोला। तो हैंसुम दिखाती है सिगरेट का हिस्सा और लाइटर और कहती है कि तुम सिगरेट पीती है, सच बोल दो नहीं तो अरे ये टेस्ट हुआ तो सारा सबको पता चल जाएगा कि तुम सिगरेट पीती है और तुम्हारा नाम और ख़राब हो जाएगा। तो नहीं मानती है, तो ये पीछे झाड़ियों के पीछे पार्क्सो और सुनबीन होती है। तो सुनबीन वहाँ आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा सो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मुंडोंग बोलती है तुम्हें सब कुछ किया, मुझे परेशान करती थी हमेशा, ठीक से रहने नहीं देती थी स्कूल में। बोलती है तुम्हें तो सब कुछ किया, हमेशा परेशान करती थी, हमेशा ताना देती थी और मेरे साथ हमेशा मजाक करती रहती थी, इसकी वजह से मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करता था और मैं हमेशा अकेले रहती थी, इसी कारण मेरा सिगरेट का भी लत लग गया था। वो सुनबीन वकील हैंसुम को अपने साथ ले जाती है और कहती कि इसके बिना ही हम लोग जीतेंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीछे पार्क्सो रहता है तो हैंसुम पार्क्सो से पूछती है कि क्या देखा तुमने उसकी आँखों में। पार्क्सो बोलता है वो कल कोर्ट में आएगी। नेक्स्ट दिन में हैंसुम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, फाइल सरिया रही होती है, तभी वहाँ पे एक गिफ्ट देते हैं, हैंसुम लेने से मना कर देती है। वकील चैंग बोलते हैं कि ये तो केवल एक फिंगर रबर है जो कि पेज पलटने में मदद करेगा तुम्हारा। नेक्स्ट दिन कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, मुंडोंग वो गवाही देने के लिए आई हुई रहती है सच बोलने के लिए। तो डोंग स्टार्ट होने से पहले ही बोलते थे कि अगर तुमने स्टेटमेंट चेंज किया तो तुम पे कार्रवाई हो सकता है, तुम्हें जेल भी हो सकता है, सजा मिलेगा तुम्हें। इतना सुनते ही वो गवाही देने से मन हटा लेते हैं। हैंसुम जान जाती है कि अब ये गवाही नहीं देगी। सीनियर वकील मैसेज करता है और कहता है कोड 159 चेक करने के लिए। तो हैंसुम जाती है जज के पास और लॉ बुक मांगने लगती हैं। जज आश्चर्यचकित होता है और दे देता है। हैंसुम जल्दी जल्दी 159 कोड देखती है तो उसमें लिखा हो रहा है अगर 16 साल से कम उम्र की कोई भी व्यक्ति अगर अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकता है उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगा। तो मुंडोंग बोलती है मतलब हैंसुम बोलती है तुम अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकती हो, इससे तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है स्टाफ वकील चैंग को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि हैंसुम जीत गए। फिर से हैंसुम को मैसेज आता है आई विल बी देयर। पार्क्सो पुलिस स्टेशन गया होता है इंफॉर्मेशन पता करना है कि ट्रक ड्राइवर है कि नहीं। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है हैंसुम अपने घर की ओर जा रही होती है और मॉम को फ़ोन करके बोलती है कि आपको पोस्टर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं केस जीत गई। ये बात सुनकर हैंसुम की मॉम काफ़ी खुश होती है और वहीं डांस करने लगती है।
हंसुम काफ़ी खुश होती है, दूर से ही देखती है कि पोस्टर नहीं उतरा हुआ, और एक पोस्टर उतार कर अपने पास रख लेती है यादगार के लिए। नेक्स्ट सीन दिखा जाता है, पार्क सुआ पुलिस स्टेशन में पता कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि एक महीना पहले ही ट्रक ड्राइवर रिलीज हो चुका हुआ है जेल से। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हंसुम वापस घर जा रही होती है और पार्क सुआ पीछे पीछा कर रहा होता है। फिर से हंसुम को मैसेज आता है, आई विल बी देयर। हंसुम चौंक जाती है। हंसुम और पार्क सुआ बस से उतर के घर जा रहे होते हैं, हंसुम के घर। वहाँ पहुँचने पर हंसुम को फिर से मैसेज आता है, आई विल बी देयर। तो हंसुम बोलती है, तुम मुझे पसंद करते। पार्क सुआ कहता है, ये क्या, ये बात तुम्हें किसने कहा। तो हंसुम मैसेज दिखाते हुए बोलती है, पार्क सुआ बोलता है, ये स्पैम मैसेजों को मैंने नहीं भेजा, मेरा नंबर कोई और है, ये देखो मेरा नंबर। तो हंसुम सोचने लगती है कि ये मैसेज किसने भेजा होगा, तभी देखती है कि पार्क सुआ देख रहा है मेरी आँखों में, तो आँख छुपाती है कि मेरे मन की बात ना पढ़े और रूम में चली जाती है। नेक्स्ट दिन दिखा देता है, पार्क सुआ वापस जा रहा होता है अपने रूम, तभी उसको ध्यान आता है कि ट्रक ड्राइवर एक महीना पहले ही जेल से रिहा हो चुका हुआ है, यानी वो कर सकता है। तो वापस दौड़ते हुए जाता है। हंसुम फ़ोन करती है कि आखिर ये किसने भेजा स्पैम मैसेज, उसी को कॉल करती है। इधर पार्क सुआ दौड़ता हुआ रास्ते में वही लड़के मिल जाते हैं जो पहले पार्क सुआ से भिड़े थे, पार्क सुआ को मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ आया हुआ रहता है। दोनों के बीच में मुठभेड़ होता है पार्क सुआ और वो सभी लड़के के बीच में। हंसुम रिंग करती है तो उसे पता चलता है घर में ही कहीं से आवाज़ आ रहा है, तो उसका फोन रिंग का पीछा करती है, किधर से आ रहा है आवाज़। और इधर पार्क सुआ काफ़ी मुठभेड़ करने के बाद जी जाता है और हंसुम की घर की ओर बढ़ने लगता है। हंसुम रिंग का पीछा करती है। यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म होता है।